नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube के इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल पे जो है दोस्तों ब्लॉगिंग करते हैं और समय समय पे इस चैनल पे हम जो है आपको आयुर्वेदिक पौधों की पहचान करवाते हैं, साथ में उनके आयुर्वेदिक गुण के बारे में भी बतलाते हैं। दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए एक जगह पर जा रहा था, जिस जगह पर मैं जा रहा था उस जगह पर मुझे रास्ते पर जो है इस प्रकार की जो है बेल मुझे देखने को मिली। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो बेल होती है यह हमें बारिश के मौसम में दिखने के लिए मिलती है और यह जो औषधि होती है बहुत ही शानदार औषधि होती है। आप इसको घर पे अपने आसानी से देख सकते हो और इसका जो है आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये जो औषधि होती है ये आपको बारिश के मौसम में ही देखने को मिलती है और इसके जो पत्ते होते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं, ये बहुत ही कमाल की औषधि होती है जिसको आप बहुत ही आसानी से आप अपने रोगों में इम्प्लीमेंट करके अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। ये वास्तव में दिव्य औषधि होती है दोस्तों। इसको जो होता है दोस्तों आयुर्वेद की भाषा में, हम लोग बोलचाल की भाषा में जो है इसको जलजमनी के नाम से जानते हैं और यह जो पौधा होता है दोस्तों इसको आयुर्वेद की भाषा में पाताल गरुड़ी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसकी मैं आपको पहचान करवा देता हूँ। ये बेल कुछ इस प्रकार की लगी रहती है, बहुत ही प्यारी प्यारी बेल होती है और यह जो होती है हमारे बहुत सारे रोगों को ठीक करने में काफ़ी सक्षम औषधि मानी जाती है। शरीर के बहुत सारे दोषों को दूर करने में, शरीर के काफ़ी सारे रोगों को दूर करने में यह औषधि काफ़ी कारगर मानी जाती है। तो इस प्रकार की बेलनुमा होती है, ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार की बेलनुमा होती है। करीब से मैं दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस प्रकार की बेल होती है, इसके कुछ पत्ते इस प्रकार के होते हैं, इसके ये पूरी बेलानुमा पौधा होता है, पूरा बेलानुमा पौधा होता है यह। हालांकि रहता तो पूरे समय में, पर बारिश के समय में इसके पत्ते आते हैं जिसकी वजह से हम इसकी पहचान कर पाते हैं। बारिश के समय में बहुत सारे पौधे जो होते हैं, बहुत सारे आयुर्वेदिक पौधे उगते हैं जिनको आपको पहचानना है और उनके जो है स्वास्थ्य लाभ लेना है। मैं नज़दीक से इसके बारे में बतलाता हूँ और इसके आयुर्वेदिक लाभ के बारे में भी आपको बतलाता हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों पूरा देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं, इसकी पहचान करते हैं पहले कि इसकी पहचान क्या होती है। तो इसके कुछ इस प्रकार के पत्ते होते हैं जिसको आप आसानी से देख सकते हैं, इस प्रकार के पत्ते होते हैं और ये जो पूरे बेलानुमा पौधा होता है और इस प्रकार ये देखिए, इस प्रकार से आप अगर नज़दीक से देखेंगे तो इस प्रकार से आपको दिख जाएगा दोस्तों। इसको पाताल गरुड़ी के नाम से जाना जाता है, जलजमनी के नाम से जाना जाता है। जलजमनी इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसके पत्तों को आप तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद अच्छी तरीके से इसको जो है चटनी बना करके अगर आप पानी में रख देते हैं तो पानी जो होता है 6 से 7 घंटे के बाद पानी जो होता है पूरी तरीके से जम जाता है, यानी जेली फॉर्म में इसका पानी आ जाता है। इससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई इसकी पहचान। इसके फूल भी होते हैं और इसके फल जो होते हैं वो हल्के नीले नीले रंग के होते हैं। अभी इसमें फल नहीं आए हैं, जैसे ही ठंड का समय आएगा इसमें फल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं इसकी दोस्तों पहचान तो करवा दी, आपने पहचान कर ली होगी, इसके पत्तों को देख लीजिए बेलनुमा होता है। इसके मैं आपको स्वास्थ्य लाभ के बारे में बतला देता हूँ दोस्तों। क्या होता है कि प्राचीन काल में जब हमारे पास में एंटी वेनम नाम की एक औषधि नहीं होती थी तो लोगों को अगर सर्प काट दिया जाता था तो क्या करते थे कि इसकी जो जड़ है, इसकी जड़ को पूरी तरीके से आप देखेंगे तो नीचे कंद जैसा होता है, कंद जैसा इसका फल होता था। उसके कंद को क्या करते थे, उसके कंद का जूस निकाल करके रोगी को पिला देने से वह रोगी जो होता है कुछ देर बाद उल्टी कर देता था, जिससे यह माना जाता था कि जहर जो होता है वो उतर जाता था। तो जहर को नाश करने के लिए जलजमनी का प्रयोग किया जाता था। आप भी कर सकते हैं, अगर आपके घर के आइड साइड में अगर अस्पताल दूरी पर है तो आपको अगर कोई भी जहरीला कीट या जहरीला कीड़ा, सांप, बिच्छू, कुछ भी चीज़ काट देता है तो आप इसकी 1 से 2 बूंद जो है नाक में डाल करके, मुँह में डाल करके रोगी को दे दें, जिससे रोगी उल्टी करेगा और उसके जहर का असर जो होगा वो कम हो जाएगा। और अगर और उसके बाद आपको इतने में ही नहीं रुकना है, आपको अस्पताल जाना है और अस्पताल जाने के बाद जो है दोस्तों उसका जो प्रॉपर डोज होता है, प्रॉपर जो इलाज होता है, वह इलाज करने से जहर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो ये प्राचीन काल में इस प्रकार इसका उपयोग करते थे जब एंटी वेनम नाम की औषधि हमारे पास में नहीं हुआ करती थी। दूसरा है दोस्तों, जिन लोगों को चेहरे पे दाग धब्बे आ जाते, पिंपल्स आ जाते हैं, यानी न्यू बॉर्न मॉम होती है, यानी कि जो माता बहनें पेट से होती हैं, पेट से होने के बाद आपने देखा होगा कि उनके चेहरे पे जो होता है एक झुर्रिया जैसी हो जाती है, यानी काली काली झाइयाँ पड़ने लग जाती हैं, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी औषधि है। वो माता और बहनें जो है इसका पेस्ट बना करके इसमें थोड़ी सी मात्रा में गुलाब जल डाल करके अगर वो अपने चेहरे पर सप्ताह में अगर 4 बार भी लगा लेते तो ये झाइयों को ठीक करने का कार्य करता है।
तीसरा मैं आपको बतला देता हूँ दोस्तों कि तीसरा भी इसका एक बहुत ही शानदार है, जिन माता और बहनों को श्वेत प्रदर या लुकेरिया की समस्या रहती है वो माता और बहनें इसके पत्तों का काढ़ा बना करके सुबह के समय में 1 से 2 चम्मच की मात्रा में अगर लेती हैं, काढ़ा बना ले, काढ़ा बनाने के बाद उसको रख दे, रोज़ काढ़ा बनाने की आवश्यकता नहीं, आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। 2 चम्मच की मात्रा में आप उसको पानी के साथ में लेते हैं, ठंडे पानी, गुनगुने पानी, किसी भी पानी के साथ में अगर वो माता और बहनें लेती हैं तो उनको जो होता है लुकोरिया की समस्या को दूर कर देता। साथ में पुरुषों की जो शारीरिक कमजोरी रहती है उन कमजोरियों को दूर करने के लिए भी जल जमनी जो होती काफ़ी लाभप्रद होती है। उसमें भी दोस्तों इसी प्रकार इसका उपयोग करना है। यह जो होती है इसकी पत्तों को सुखा करके पाउडर बना करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जल जमनी जो होती है वो काफ़ी अच्छे अपने में आयुर्वेदिक औषधीय गुणों को समाहित अपने में रखती, तो आप इसका प्रयोग जो है कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। जिन लोगों के जो होते बाल जो होते असामयिक झड़ने लग जाते हैं वो लोग इसकी सुखा करके इसका पाउडर बना करके भी इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो होगा दोस्तों उनके जो बाल झड़ने जो होंगे वो कम हो जाते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर को स्वास्थ्यवर्धक रखने का कार्य करता है। साथ में जिन लोगों का किडनी लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है यानी उनका लीवर में सूजन आ जाती है वो लोग भी जो है दोस्तों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लिए काफ़ी अच्छी औषधि मानी जाती है। जिन लोगों के लीवर में सूजन रहती है या फिर उन लोगों को बाथरूम बार बार लगती है या फिर उन लोगों को किसी प्रकार की शिकायत रहती है तो वो लोग जो होता है इसका पाउडर बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लिए काफ़ी लाभप्रद औषधि मानी जाती है जल जमनी का। पाताल गरुड़ी का पौधा जो होता है दोस्तों इसकी कंद होती है, कंद पाया जाता है नीचे, इस कंद का जो होता है आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके सिर्फ 2 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, इसके पत्तों का प्रयोग किया जाता है और इसकी जड़ का प्रयोग किया जाता है। इसके फल और फूल का प्रयोग आयुर्वेद में अभी तक तो वर्णन नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग जानते हैं तो इसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा जिससे मैं और भी लोगों को साझा कर सकूं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप जल जमनी यानी पताल गरुड़ी के आयुर्वेदिक लाभ के बारे में जान गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा करके सब्सक्राइब हो जाए जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन जो है मिलते रहेंगे और भी नए नए वीडियो में इस चैनल पर डालता रहे। तो साथ में मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ जिससे आपको नई नई जगह से नई नई चीज़ों से आपको अवगत भी कराता हूँ। समय समय पर आयुर्वेदिक पौधों के भी मैं आपको पहचान करवाता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें जिससे आपको हमारे और भी आयुर्वेद से रिलेटेड वीडियो तुरंत मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और नए आयुर्वेदिक पौधे या किसी और नए ब्लॉग के साथ में। तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद दोस्तों।